निश्चित तौर पे इन लोगों को निलंबित किया जाएगा। चार कर्मी के साथ अवैध वसूली में शामिल थे और जब हमारे SDPO ने इस संबंध में उससे पूछताछ किया, उसने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। उसने जो भी पैसे लोगों से प्राप्त किए थे गाड़ी वालों से, उसको उस सामने जब्त किया गया जो 3200 रुपये थे। इस संबंध में प्रतिवेदन उन्होंने दिया है, प्रतिवेदन के आलोक में इन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। निश्चित तौर पर इन लोगों को निलंबित किया जाएगा। कंधे पर बिहार पुलिस के चमकते हुए सितारे और हाथों में जिम्मेदारियां कि आप अपने क्षेत्र में अमन चैन और सुरक्षा को बहाल करें, लेकिन हरकत ऐसी कि मन विचलित हो जाए। इतनी ओछी हरकत जिसको कि शब्दों में बयान नहीं कर पाए। आज यह कहानी, यह करतूत बिहार पुलिस के एक अधिकारी सहित 3 जवानों की है, जिसे कि सुरक्षा की जिम्मेदारी जवाबदेही दी गई थी कि आप अपने क्षेत्र में सुरक्षा को बहाल करेंगे, लेकिन उसने इतनी सुंदर सुरक्षा की, इस नज़रिए से सुरक्षा की कि उनके इस वसूली का कानों कान भनक SP तक पहुंच गया। और जब SP स्वयं घटनास्थल पर पहुंचे तो वह भी देख के अवाक रह गए। दिनांक 21 और 22 की रात्रि में सूचना मिली कि हमारे पुलिसकर्मी के द्वारा रामगढ़ चौक पे अवैध वसूली की जा रही है। इसका सत्यापन और जांच के लिए DSP मुख्यालय, जो SDPO के बीच प्रभार में थे, उसको भेजा गया। उन्होंने 12 से 1 बजे के बीच में जांच की। जांच के क्रम में यह सामने आया कि ASI दिनेश्वर पासवान अपने मोबाइल गश्ती पे सवार 4 कर्मी के साथ अवैध वसूली में शामिल थे। और जब हमारे SDPO ने इस संबंध में उससे पूछताछ किया, उसने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। उसने जो भी पैसे लोगों से प्राप्त किए थे गाड़ी वालों से, उसको उस सामने जब्त किया गया जो 3200 रुपये थे। इस संबंध में प्रतिवेदन उन्होंने दिया है, प्रतिवेदन के आलोक में इन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। और 4 लोग जो हैं वो कौन हैं? वहाँ के 3 DAP के जवान हैं और 1 गृह रक्षक हैं। निलंबित किया गया, निश्चित तौर पर इन लोगों को निलंबित किया जाएगा। सर, किन गाड़ियों से पैसा की वसूली? प्राइवेट वाहन और कुछ ट्रक वगैरह थे, उससे वसूल की जा रही थी। ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन अवैध वसूली की जा रही थी कुछ ट्रक वालों से। हालांकि इन सभी अधिकारियों को और जवानों को वर्तमान में सस्पेंड यानी निरस्त कर दिया गया है, सेवा निरस्तीकरण कर दी गई है। लेकिन सवाल यह है कि जिन लोगों को ड्यूटी देके उन्हें तैनात किया जाता है, भला वह अपने ड्यूटी को भूलकर और कुछ रुपये कमाने के चक्कर में गाड़ियों से जबरन वसूली करते रहते हैं? सुरक्षा के बदला वसूली रक्षा में लग जाते हैं? कितने रुपये इन पुलिस कर्मियों ने वसूला, इसका अभी तक स्पष्ट डाटा नहीं आया। लेकिन बद से बदतर स्थिति है और हम चाहेंगे कि आप अपना कमेंट लिखेंगे और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे।